आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्लॉट का एरिया और उसका रेट कैसे निकालते हैं, मींस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे आप निकाल सकते हैं खुद से सही तरीके से और उसका रेट कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ सिखाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये कोई आपका प्लॉट है या फिर खेत है, तो इस प्लॉट की कोई चौड़ाई होगी, कोई लंबाई होगी। तो जो सबसे पहला काम करना है आप लोग को, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई को नाप लेना है। वो आप इंच टेप से कर सकते हो, मेजरिंग टेप जो होती है उससे आप इसकी चौड़ाई और लंबाई खुद से नाप लो। फिर उसको क्या करो, लिख लो। लंबाई को हम कह देते हैं यहाँ पे L। तो ये हमारी लंबाई है 70 फिट 6 इंच। चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये भी है 70 फिट 6 इंच। अब ये जो ये सिंगल वाला ये सिंबल है, ये होता है फिट का, जिस पे डबल ऐसे लगा रहता है सिंबल, ये होता है इंच। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें उसको नाप लेना है प्लॉट को। तो उसका प्लॉट का मेज़रमेंट करने के बाद हमारा ये लंबाई और चौड़ाई मिल गया है। इसमें लंबाई को हम L से लिख रहे हैं और चौड़ाई को W से। और हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई, एक ये चीज़ हमें पता हो गई। और रेट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस प्लॉट का क्या रेट चल रहा है, कितने रुपए स्क्वायर फिट इस प्लॉट का रेट है, तभी हम उसकी कॉस्ट को निकाल पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए प्लॉट की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती है। जैसे मान लेते हैं 500 स्क्वायर फिट, 1000 स्क्वायर फिट, 1500 स्क्वायर फिट, 2000 स्क्वायर फिट, ये प्लॉट का रेट ऐसे हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं इस प्लॉट का जो रेट है वो है ₹1500 पर स्क्वायर फिट का रेट है। 1500 स्क्वायर फिट इस प्लॉट या फिर खेत का रेट है। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख चुके हैं, लंबाई गुड़े चौड़ाई। लंबाई हमने नाप रखी थी 70 फिट 6 इंच, गुड़ा कर देंगे। चौड़ाई कितनी थी, 70 फिट 6 इंच। तो अगर इस तरीके से आप निकालते हो एरिया को तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे और फिर सही तरीके से भी आंसर निकाल के दिखाएंगे कि कितना फ़र्क आ जाता है इस तरीके से और जो सही तरीका है उसमें। अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो हम क्या करेंगे, क्या किए थे, 70 के बाद पॉइंट लगा के 6 लिख दिए और इसको गुणा कर रहे हैं। तो इसको ऐसे गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4984.36 स्क्वायर फिट। तो ये एरिया इसका जो आ रहा है ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं लगेगा। आप देखो सही तरीका क्या होता है, सही तरीका होगा आपका एरिया निकालने का, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे लंबाई गुड़े चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी थी, 70 फिट 6 इंच, गुड़ा चौड़ाई कितनी है, 70 फिट 6 इंच। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अब मल्टीप्लाई इसको गुड़ा हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ ये फिट में दिया हुआ है, ये इंच में दिया हुआ है, ये फिट में है, ये इंच में है। अब इसमें पॉइंट हम लगा नहीं सकते, जैसे कि हमने पॉइंट ऊपर लगाया, ये तो गलत तरीका है ये। लेकिन अब क्या करेंगे, ये फिट में है, ये इंच में है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस इंच को, ये जो 6 इंच यहाँ दिया हुआ है, 6 इंच यहाँ दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी जितनी भी इंच दी हुई हो, पहले हम उसको फिट में बदलेंगे। अब फिट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 6 इंच को भाग कर देंगे 12 से, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 0.5। हमने 12 से भाग क्यों किया है, इसलिए क्योंकि एक फिट में हमारा होता है 12 इंच, इसलिए हमने इस 6 इंच को 12 से भाग कर दिया। यहाँ कुछ भी इंच हो आप 12 से उसको भाग करोगे तो ये हमारा जो आ रहा है 0.5, ये आ गया फिट में। अब क्या करो, 70 में 70 प्लस, अब ये भी फिट में आ चुका है, तो अब इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं 70.5, ये जोड़ने के बाद अब ये आ रहा है, अब ये पूरा फिट में बदल चुका है। सेम इसके साथ भी वैसे ही कर लेंगे, इस वैल्यू के साथ 70 फिट 6 इंच है, तो 6 इंच को हम बदलेंगे कि इसमें फिट में। तो यहाँ सेम यहाँ हमने निकाल के रखा है, इस 6 इंच को फिट में बदला है, प्लस
ये 0.5 को सेम इसमें 70 में इसमें भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 70.5। अब ये गुणा हो सकता है क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिट में बदल चुकी है। एक तो पहले से फिट में थी, ये इन से हमने फिट में बदल के इसमें जोड़ दिया है, तो ये हो गया 70.5 गुणे 70.5। अब ये गुणा करोगे तो ये इसका आंसर सही आएगा। अब देखो ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा, इतना स्क्वायर फिट ये आ चुका है। ये सही तरीका है ये एरिया निकालने का, अगर फीट इंचेस में दिया हुआ है तो। अब देखो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है इन दोनों में, ये जो इसका गलत आंसर आया वो है, ये सही जो इसका एरिया है आया है वो है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस अब निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, जितना भी स्क्वायर फिट का हमारा जितना भी उस प्लॉट का रेट चल रहा है उससे गुणा कर देंगे इसमें जो भी हम क्षेत्रफल या फिर एरिया निकाले हैं। तो यहाँ पे जो प्लॉट का रेट है, जो खेत का रेट है वो है 1500, तो गुणे 1500 ये हमने निकाल के रखा है एरिया, ये 1500 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपये। अगर वही चीज़ ये हम लोगों ने ये सही तरीके से एरिया इसका निकाला था ये है, ओके। अब अगर हम सेम चीज़ में इसमें भी अगर देखो गुणा कर दें 1500 से तो ये कितना आ रहा है, इसको यहाँ लिख के देखते हैं, ये आपका आ जाएगा 1500। और जो सही वाला हम लोगों ने एरिया सही तरीके से निकाला है उसका रेट इतना आ रहा है। तो अब इसमें माइनस करके देखो इन दोनों में कितने हज़ार का फर्क आ रहा है, तो ये माइनस करोगे इन दोनों को, इसको और इसको माइनस करके देखोगे तो यहाँ आएगा 21,165 रुपये। मतलब ये तरीके से अगर आप लगाते हो तो 21,165 रुपये ज़्यादा आ रहा है रेट, लेकिन जो सही रेट है वो निकालने का, जो सही तरीका ये है और जो रेट है उसका ये है। तो इस तरीके से आप प्लॉट का मेज़रमेंट कर सकते हो और रेट खुद से निकाल सकते हो। और ये तो प्लॉट था एक, ये नॉर्मल कह सकते हो एक रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, जिसको आप कह सकते हो वर्गाकार और आयताकार। मान लो कोई ऐसा प्लॉट है जो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, जिसका जो चारों साइड है वो बराबर नहीं है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं उस पर भी हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे देंगे, आप वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हो। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।